तो अभी मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने सना सफीनाज की लीलन की है। मेरे को इसकी स्लीव्स पे ऐसे गैस लगी हुई। ये जी मैंने किसी के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया है, पैकिंग तो काफी अच्छी करके भेजी है। ये मैंने डक वाला नेकलेस एक मंगवाया और ये मैंने मंगवाए हैं। ओ ये इसका इंतजार था मुझे, वही थी कुछ हिजाब कैप्स हैं। ये मुल्तानी मिट्टी है मस्कारा, अगर मेकअप रिमूवर है ये, पता सबको ना एक एक पैक दे दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी किंजा। तो गाइज आज मैं इतने दिनों बाद आप लोगों के साथ दोबारा अपना दराज शॉपिंग हॉल शेयर करने जा रही हूँ, पार्ट टू। जो मैंने फर्स्ट आपके साथ शेयर किया था उसके बहुत अच्छे मुझे रिव्यूज आए थे, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा हाँ जी प्राइस कारी ओके, मैंने सोचा कि क्यों ना कि आज लोग आप लोगों के साथ मैं दोबारा दराज शॉपिंग हॉल शेयर करूं। तो मैंने बहुत ज्यादा दराज से कुछ शॉपिंग की हुई थी, तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दराज शॉपिंग हॉल, क्योंकि मैंने पार्सल्स बहुत ज्यादा इकट्ठे करके रखे हैं। उनसे आज ना कपड़े भी ऑर्डर किए, तो अभी आप लोगों के साथ मैं रिव्यू शेयर करती हूँ। फर्स्ट है मैंने दराज से कुछ कपड़े भी ऑर्डर किए हैं, कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा वीडियो में आगे जाके। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। सो गाइज ये है मेरे इतने ढेर सारे पार्सल्स जो कि मैंने दराज से ऑर्डर करके रखे हुए हैं, तो मैं वन बाय वन करके इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऑर्डर किया है। तो अभी मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहला पार्सल मेरा ये है, ये मैंने काफी टाइम से पार्सल्स इकट्ठे किए हुए थे, तो आज मुझे मौका मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। इसमें क्या है पता नहीं, अब तो मुझे अनबॉक्सिंग करते हुए मुझे पता ही नहीं कि इसमें क्या है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने लिए थे, ये मैंने उल्टा खोल दिया बॉक्स इसको। हो क्या हो गया, यहाँ से खोलेंगे इसको, यहाँ पे टेप लगी है। अच्छा ये मैंने क्रिस्टीन की मंगवाई थी नेल पॉलिश, इस पे ऑफ लगा था। ये मैंने दराज 12-12 सेल से पाए थे, चीजें सारी ऑर्डर की हैं, पैकिंग तो काफी अच्छी करके भेजी है। ये इसमें मैंने कुछ वेलवेट की मंगवाई हैं और दो जो थी मैंने दूसरी ऐसी मंगवाई हैं। ये इसके शेड्स हैं, ये मैंने रेड इसको बहुत पसंद है, इसलिए दो बुलाए। हाँ मैं हमेशा लगाती ही ग्रीन हूँ, ओ सॉरी रेड हूँ। वाओ ये वेलवेट में ना आजकल आई हूँ। तुम्हारे देखो कपड़ों के साथ भी मैच कर। हाँ ये एक ये ग्रीन कलर है, एक इसमें ये है ब्लू कलर। गाइस आपको लगा के भी दिखाऊंगी अभी। और ये इसमें रेड कलर है, ये रेड कलर दूसरा था ये। और इसमें एक व्हाइट कलर है, एक ये पिंक कलर है। वेल्वेट में मैंने इसमें चार शेड्स मंगवाए हैं, नहीं ये ब्लैक है, पांच है सॉरी, ग्रीन ब्लू पिंक और ये कौन सा है, ब्लैक है, ये है रेड। रेड वेल्वेट में भी मंगवाया है और दूसरा मैट जो शाइनिंग वाला होता है वो भी मंगवाया है, और ये सिल्वर है। तो ये नेल पॉलिश होगी। अब हम नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं, पार्सल ओपन करते हैं। इसमें क्या है, बड़े का पतला से, चलो इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। मैंने इसमें ना कपड़े भी ऑर्डर किए इस दफ़ा दराज से, ये देखते हैं कैसे कपड़े भी कैसे निकलते हैं। ओह ये मैंने डक वाला नेकलेस एक मंगवाया था, इसका ना आजकल ये लगता है मैंने इसका आधा पैकेट अंदर ही तो काट दिया है। हाँ ये देखते मैंने आधा पैकेट अंदर ही काट दिया इसका, मैं भी पैकेट से निकल कैसे किए गाँव से। ये डक वाला आजकल मुझे ना ये टिकटॉकर्स को मैंने बड़ा पहने में देखा था, तो मैंने कहा था ये मैं मंगवाऊंगी। चलो नहीं तुम ले लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। वाओ थैंक यू, सीरियस कह रही हूँ ले लो। ये तुम्हारा गिफ्ट होगा। चलो साथ साथ गन भी साइड पे करते जाते हैं। अच्छा वैसे ये मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ मैंने तेरे लिए मंगवाया था सीरियस आ रही। मैंने जब देख रही थी ऑर्डर कर दी, तो मैंने कहा चलो नाया के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। और ये मैंने मंगवाए हैं, ओ ये इसका इंतजार था मुझे, कितने प्यारे हैं। ये मैंने मंगवाए थे ये ग्लव्स हैं, मैंने कहा चलो सर्दियां हैं इसमें ना ये बड़े प्यारे से ग्लव्स कहाँ से खुलेंगे, यहाँ से खुलेंगे, तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे। इस पेज से ना मैंने बहुत पहले एक कैप भी ऑर्डर की थी, चलो इसको पहन के देखते हैं कि कैसे है। अच्छा ये इसमें थम जाएगा, ये ऐसे हैं तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, प्यारे हैं। वैसे तो मुझे ग्लव्स इतने पसंद नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए ऑर्डर किए थे। वानिया नेल पॉलिश छोड़ दो, क्वालिटी तो उसकी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। चलो इसको पहन के बाकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये मैंने मंगवाई थी सॉक्स, यस यस उसको वानिया को नेल पॉलिश चाहिए, वो देख वानिया कह रही मुझे नेल पॉलिश लगाओ। अब ये मैंने सॉक्स का पेयर था, अब इन सब की मुझे ना अनबॉक्सिंग करते हुए प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं याद कि किसकी क्या प्राइस थी, तो मैं ना आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा कि किसकी क्या क्या प्राइस थी। तो वैसे मुझे ये सब चीज़ें ना बड़ी रीजनेबल रेट्स में मिली हैं। ये सॉक्स मैंने ब्लैक कलर की एक थी सॉक्स, दिखा स्टफ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मोटी वाली है देख अंदर से, ये अंदर वेलवेट लगा हुआ है। एक मैंने ये ब्लैक कलर की ली है और एक मैंने ये स्किन कलर की ली है, मैंने कहा ये दो कलर ही चलते हैं, तो चलो इन दो कलर्स की सॉक्स ले लेती हूँ। ये होगी मेरी दोनों सॉक्स। सो ये हो गए मेरे ग्लव्स जो कि मैंने पहने हुए हैं, ये बड़े ही जबरदस्त क्वालिटी के हैं। और ये मेरी सॉक्स, इनको अब साइड पे करते हैं।
अब हम नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं और लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। अच्छा ये मैंने मंगवाई थी मुल्तानी मिट्टी, एक तुम्हारे लिए मैंने मंगवाई है और एक अपने लिए मंगवाई है, ठीक है। ये इसके ना ये काफी सस्ती थी, इस पे काफी ज्यादा ऑफ लगा हुआ था, तो मैंने ये दो मुल्तानी मिट्टी मंगवा ली है। लिखा हुआ 3-in-1 है। हाँ ना 3-in-1 फॉर्मूला ना करो। अच्छी थी ये, हर्बल थी। अब इसको मैं ओपन करती हूँ और इसमें देखते हैं क्या निकलता है। इसमें ये इसमें से मैंने मंगवाई थी कुछ हिजाब कैप्स है, 4 वैसे पैक ऑफ 5 था आई थिंक, तो 4 है ये, नहीं इसमें 4 ही है। ये डिफरेंट कलर की हिजाब कैप्स हैं, ये मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए मंगवाई थी, तो ये मैं उनके लिए आई हूँ। अब नेक्स्ट पार्सल हम ओपन करते हैं क्या निकलता है इसमें से। ओके लेट्स सी लेट्स सी। ये मैंने मंगवाया है मस्कारा, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट दराज शॉपिंग हॉल देखा होगा तो उसमें भी मैंने ये मस्कारा ऑर्डर किया था। ये बहुत ज़बरदस्त मस्कारा है और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में है, तो मैंने इस दफ़ा जी इस पर ज़्यादा ऑफ लगा हुआ था, तो मैंने इसका फ़ायदा उठाते हुए दो मस्कारे अपने लिए ऑर्डर कर लिया। अगर नया तुम्हें चाहिए हो तो तुम इसमें से एक ले सकती हो। ऐसे यहाँ रख देते हैं, मुझे पता तुम ले लोगी। नेकी और पूछ पूछ। अब ये वाला खोलें, बड़े वाले खोलें? नहीं पहले छोटे वाले, पहले छोटे खोलते हैं। बड़े वालों में मुझे पता है कपड़े हैं, वो वीडियो भी ज़रा से ना क्यूरियोसिटी बनवाते हैं, एंड में पता चलेगा कि कैसे निकलते हैं कपड़े। अच्छा ये मैंने मंगवाया था मेकअप रिमूवर है, ये भी इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे और ये देख बहुत सस्ते रेट्स में मुझे मिला। अच्छा एक तुम्हारा एक मेरा। हाँ ये देखो जो जो मैंने दो दो चीज़ें मंगवाई ना, इस दफा मैंने वानी अनाया के लिए मंगवाया, वानिया कहती अनाया के लिए मंगवाई है, मैंने कहा वो बेचारी मेरे से पार्सल अनबॉक्सिंग करेगी तो चलो उसको भी दे देंगे। अच्छा ये इसमें मुझे पता क्या है, चलो बता दी थी, इसमें ना कैचर्स हैं, छोटे छोटे कैचर्स थे और काफ़ी सस्ते थे। अच्छा मैं जब भी तरह से कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ ना, तो मैं उसके रिव्यूज पढ़ के देखती होती हूँ। क्या था ये वानिया, ले लो। अच्छा ले लो, वानिया को दे दो, वानिया गिराना नहीं है। ओके नो रिव्यूज मैं सबसे पहले देखती हूँ कि इसमें अच्छे होने चाहिए। अब पैकिंग तो काफ़ी अच्छी की हुई है, लेट्स सी अंदर से कैसे निकलते हैं। ओ बड़े अच्छे लग रहे हैं ना, और ये बहुत सस्ते थे, ये आई थिंक 35 है। ये देखिए कितने कितने पैक्स हैं, 5 5 6 6 उन्होंने पैक बनाया। ये मैंने कहा था सबको ना एक एक पैक दे दूंगी, ये देख कितने भी अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अच्छा जो मैंने जो बालों में लगाया है ना, मैं दिखाऊं सेम टू सेम वैसा ही है, मैं अभी तोड़ के दिखाती हूँ, मेरे पास सेम टू सेम ऐसा ही है ये जो मैंने अपने बालों में लगाया है। ये देखिए मेरे हाथ में 35 कैचर्स हैं, उनका पैक है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट्स में था। तो ये सारे मेरे से आपस में पढ़ लेंगे इसके लिए, साइड पर करते हैं। चलो जी अब हम इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, इसको ओपन करें। इसमें मुझे पता क्या, और इसमें भी मुझे पता क्या, ये वाला करते हैं ये वाला। इसमें पता क्या, इसमें ना मैंने, चलो अनबॉक्सिंग करेंगे तो तब पता चलेगा। और इसमें तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी आ रहा है, क्या गेस करो, अनाया के लिए एक सरप्राइज है। कपड़े दिखा भी दिया, कह रही गेस करो। ये देखो मैंने यहाँ से कुछ दो शर्ट्स ऑर्डर किए हैं, एक तुम्हारे लिए किया है, इसमें मेरा एड्रेस दिखा हुआ मेरे पे एक कपड़ा है। यहाँ पे मैंने ना दो शर्ट्स ऑर्डर की थी, ना कर मानो, पेज था उसमें ना ब्रांडेड शर्ट्स का था, चुनसी है एक पेज था, वहां से मंगवाई है सना सफीनाज की, और ये इसका उसकी प्राइस आप देख सकते हैं क्या लिखी हुई है इस पे। ये मैंने सना सफीनाज की लीलन की है, ये स्टफ लीलन स्टफ है, और ये काफी मुझे अच्छा लगा था तो मैंने कहा ये है कि अपने लिए ले ली है, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर की है। प्यारी है, ब्रांडेड का पता स्टफ अच्छा ही होता है, वैसे अच्छी निकली है। और एक अनाया मैंने तुम्हारे लिए ये आइडियाज किया, आई थिंक तुम्हारे लिए मैंने ऑर्डर की थी, हाँ तुम्हारे लिए मैंने आइडियाज की ऑर्डर की थी, ये है अनाया के लिए, मैंने अनाया के लिए ऑर्डर की थी। मेरे को इसकी स्लीव्स पे ऐसे लैस लगी हुई है जी मानो, और यहाँ पे ऐसे बीट्स लगे हुए हैं, और ये आइडियाज की है, आइडियाज किड्स की है, स्मॉल साइज। मैंने कहा था तुम्हें स्मॉल है, मैंने फिर कौन सा साइज ऑर्डर किया था, तुम्हारा भी स्मॉल ही होगा। हाँ स्मॉल साइज है, लेकिन आपको पता ब्रांडेड पे थोड़े से ना लूज होते हैं, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। नेक्स्ट पार्सल, लेकिन मैंने दराज से भी ऑर्डर किया तो ब्रांडेड भी ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं डर गई। अब ये नेक्स्ट पार्सल है, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ओह एक मिनट, यहाँ से खोलती हूँ, मैंने सिर्फ अपना एड्रेस दिखा रही हूँ। अब इसको अब हम लोग ओपन करते हैं, ना करो मानो, तो ये कैसा है, ये रहा, ये मैंने किसी के लिए पार्सल ऑर्डर किया है, और वही हम तो वही, ये क्या है ओपन करके दिखाती हूँ ना,
ये जिसने क्या लिखा हुआ है एड्रेस होगा नहीं जिसने किया ना कॉन्टेक्ट उसने लिखे हुए हैं इंस्टाग्राम का यूट्यूब का टिकटॉक का व्हाट्सएप का प्लीज फॉलो एंड सपोर्ट अस ओके क्वालिटी अच्छी निकली तो फिर हम लाग नहीं करेंगे देखते हैं ये जी मैंने किसी के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया है अब आया है ये इसका स्टॉलर है और इसकी प्राइस मुझे याद है इसकी प्राइस थी 3700 तो इसका मटेरियल तो बहुत अच्छा लग रहा है शिफॉन में मटेरियल है ये इसका स्टॉलर है और ये इसके साथ इसका इनर है वाइट कलर में गाउन और इसके ऊपर है ये वाओ ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था मुझे तो जब मैं ऑर्डर करती थी उनसे मैंने पूछा था कि कौन सा इसमें कलर ना लेटेस्ट अच्छा लगेगा उन्होंने कहा था कि ये वाला आप हमसे हम यकीन करके ऑर्डर कर लें तो आप सेटिस्फाइड होंगे ये देखिए यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हैं और बीड्स लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा है इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है इसको मैं ना इसे बाजू से दिखाती हूँ इसकी स्लीव ऐसे और इसके साथ ये क्या है ये आई थिंक इसकी बेल्ट है हाँ ये इसकी बेल्ट है ये इसका इनर है ये इसका ऊपर से गाउन है ये इसकी बेल्ट है और ये इसका स्टॉलर है तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है अगर आप लोगों ने लेना हो तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आप लोगों ने बाय करना हो तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं लेकिन सर ये भी आया देख क्या पिंस तुमने इसको देखा ही नहीं है ओ अच्छा ये तो पिंस मैंने देखी नहीं अच्छा इन्होंने ना इसके साथ ये पिंस भी भेजी हैं कि बाय को स्टॉलर को टिकाने के लिए पिंस होती हैं सो गाइज ये रही मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़